जिलाधिकारी कार्यालय पर क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हुए विकास कार्यों की समीक्षा में धांधली के आरोप के साथ 60 सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। पूरा मामला बेबेरू खंड विकास अधिकारी कार्यालय का है, जहां पर आज खंड विकास अधिकारी द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के लिए बुलाया था। बैठक पर 106 सदस्यों में लगभग 100 सदस्य उपस्थित थे। जब बैठक की शुरुआत हुई तो खंड विकास अधिकारी ब्रज किशोर कुशवाहा ने हुए विकास कार्यों के विषय में चर्चा की, जिसके बाद जवाब में कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हुए विकास कार्यों की चर्चा को गलत बताते हुए बैठक का विरोध किया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया और वह बाहर निकल गए। सदस्यों का कहना था कि विकास कार्यों में धांधली की गई है, यहाँ पर विकास कार्य पहले करवा दिए गए और टेंडर बाद में करवाए जा रहे हैं। वहीं पहले से एक आरसीसी रोड बनवा दी जाती है और पेमेंट भी हो जाता है और उसी आरसीसी रोड का टेंडर फिर निकलवा दिया जाता है। अधिकारी और जिम्मेदार लोग मिलकर अपने चहेते ठेकेदार को ठेका दे रहे हैं, इसी का सदस्यों ने विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की। आज क्षेत्र पंचायत बबेरू की बैठक थी, यहाँ जितने भी इस वित्तीय वर्ष में कार्य हुए हैं उनको पढ़ करके सुनाया। कई काम ऐसे हैं जो अन्यत्र निधियों से बने हैं और उनका फर्जी तरीके से पेमेंट करवा रहे हैं। हमने एक महीने पहले माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय को इस संदर्भ में शिकायत भी की थी। इन्होंने कहा था कि हम इसका संज्ञान लेंगे। लगभग एक महीने से ऊपर का समय हो गया, आज तक उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई और पहले से आरसीसी बनवा डाली जाती हैं। अपने चहेते ठेकेदारों से कमीशन लेकर के पहले से उनसे काम करवा लिया जाता है और बाद में टेंडर। वहीं बबेरू खंड विकास अधिकारी ब्रज किशोर कुशवाहा ने बताया कि आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों की समीक्षा बैठक थी, जिसमें विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गई और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया। मगर सदस्यों के बहिष्कार के बारे में सवाल पूछा तो बताया कि कुछ लोगों ने शराब के नशे में प्रदर्शन किया। बबेरू खंड विकास अधिकारी के जो साथ में उन्होंने पूरा विवरण बताया कि हमने ये काम करवाए, लेकिन जितना इन्होंने बताया है वो सभी काम निराधार हैं, ज़्यादातर काम फर्जी हैं और काम पहले करवाया है, टेंडर बाद में करवा रहे हैं। इस तरह की पूरी विडम्बना चल रही है पूरे क्षेत्र में हमारे, और कुछ काम पहले से ग्राम सभा ने करवा दिए हैं, उसके ऊपर से पैसे सिर्फ कमाने के चक्कर में उसमें ग्राम क्षेत्र पंचायत से काम करवाया गया है। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो कि दो निधियों से एक ही जगह पर काम हो रहा है। क्षेत्र पंचायत समिति की जो कि नियमित बैठकें होती हैं, उसे नियमित बैठकों के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक थी, जिसमें क्षेत्र पंचायत के समस्त सदस्य होते हैं, माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान भाग लेते हैं। इस बैठक का मुख्य प्रयोजन ये था कि इसमें ग्राम पंचायतों से जो मनरेगा की योजना के अंतर्गत कार्य कराए जाते हैं, उनका जो श्रम बजट तैयार होता है कि अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ग्राम पंचायतों में क्या काम कराएंगे, क्या उनका बजट होगा, उस श्रम बजट का इस क्षेत्र पंचायत की बैठक में अनुमोदन होता है। ये बैठक उसका अनुमोदन करती है, अनुमोदन करने के बाद इस श्रम बजट को जिला पंचायत के लिए भेजती है। बबेरू से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।